नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सिंपल टैक्स सपोर्ट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉन स्किपेबल ऐड की जो प्रॉब्लम थी उसके सॉल्यूशन के बारे में। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पर्सनली क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जरूरी है आप उन लोगों के लिए जिनकी नॉन स्किपेबल एड्स की वजह से हो सकता है कि उसी की वजह से आपके चैनल पर जो एड्स आ रही थी वो बंद हो गई हो। तो ये सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन नहीं है, मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो देखी थी और उसमें जो सॉल्यूशन बताया गया था उसके बाद उसमें जो कमेंट मैंने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपने सबसे पहले यूट्यूब को खोलना होगा। अगर आप डेस्कटॉप आपके पास है, कंप्यूटर आपके पास है तो आप उसमें खोल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में इसको ऑन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वीडियो मैनेजर पर जाना है और वीडियो मैनेजर के बाद आपको अपने सबसे पहले अपने चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के बाद आपको वीडियो मैनेजर पर जाना है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप मोबाइल में भी ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, चैनल्स पर जाना है। आप देख सकते हो लेफ्ट पे चैनल्स का आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आपको इस पर जाना है और इस पर जाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मोनेटाइजेशन का, ठीक है। ये क्योंकि मैं अपने पे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी मोनेटाइज है, मेरे पे ऐड भी आ रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरे पास कोई चैनल भी नहीं था जिससे मैं इसको ट्राई कर सकूं। तो आप लोग मुझे ट्राई करके बता देना और अगर ये सॉल्यूशन हो जाता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यहां पर सबसे आप देखो कि मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको यहां पर आपको क्लिक करना है व्यू मोनेटाइजेशन सेटिंग्स पे। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन खुलेंगे। तो यहाँ पर एक आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3 नंबर पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एसोसिएट एडसेंस अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। और जब आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ही नीचे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जनरली हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब फिर से उसको हम लिंक कर रहे हैं एक तरह से हम मान सकते हैं। तो पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर आपको वही वाला आपसे वही आईडी से उसी आईडी से जिस आईडी से आपका पहले गूगल एडसेंस चल रहा था उसी आईडी से लॉगिन करना है। मैं पहले फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जिस भी आईडी से आपका पहले गूगल एडसेंस गूगल की आईडी से चल रहा था, गूगल ईमेल से चल रहा था, उसी आईडी को आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास बहुत सारी आपके पास आईडी है तो उसी को सिलेक्ट करना है जिससे ऑलरेडी गूगल एडसेंस चल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा गूगल एडसेंस पर और हो जाने के बाद आपको वो फिर से वो लिंक हो जाएगा एक तरह से। तो यहाँ पर वो ऑप्शन आ रहा है चेंज का, लेकिन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको एक फिर से लिंक कर रहे हैं, हो जाती है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको वेट करना होगा कम से कम 2-3 घंटे का, किसी का 5 मिनट, किसी का 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे। मैंने काफ़ी सारे कमेंट भी देखे थे और बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो आज नहीं तो कल हो सकता है मॉर्निंग में या आज ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। जिनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वो मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो बस ये वीडियो है जिससे मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब कर देना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।